जिले में शनिवार को आई बाढ़ के कारण चार तहसील के कई गांव भारी मात्रा में तबाही होने का अनुमान है। प्रशासन द्वारा पहले ही सतर्कता बरतने से किसी भी तरह की जीवित हानि नहीं हुई, साथ ही रेस्क्यू टीम द्वारा गाँव वासियों को गाँव से बाहर निकाला गया है और उन्हें सुरक्षित जगह रखा गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से चौराई बांध का पानी छोड़ने से तोतलाडो और पेंच डैम ओवरफ्लो होने से गांव में पानी घुसने के बाद फसल का भारी मात्रा में नुकसान हुआ। जिले के पालक मंत्री द्वारा जल्द से जल्द पंचनामा करने के आदेश दिए गए हैं, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे द्वारा दी गई है। तो अभी माने जो बाढ़ आई थी, ये बाढ़ जो है वो कन्हान नदी जो है जिसके ऊपर कोई डैम नहीं है उसमें जो पानी मध्य प्रदेश से आया और चौराई धरण से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण बाढ़ आई है। वैसे नागपुर जिले के अंदर में बहुत ज़्यादा बारिश इस समय पे नहीं थी, लेकिन इससे लगभग अभी 84 विलेजेस अफेक्ट हुए हैं, जिसमें 4,844 फैमिलीज अफेक्ट हुई है और लगभग 27,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें खेती का जो नुकसान हुआ है वो लगभग 17,800 हेक्टर का है। हमने लगभग 48 शेल्टर कैंप्स बनाए हैं जहाँ पे जिन लोगों के घरों में पानी गया है और जो अभी रहने लायक नहीं है वहाँ पे, तो इन ऐसे लोगों को लगभग हमने 5,188 लोगों को जो है वहाँ पे अभी रखा है और उनको सारा जो इनका जो इंतजाम है माने खाने पीने की सामग्री और उनको औषधि और इस तरीके की सारी चीज़ें जो है उनको वहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। और इसके अलावा आज हम लोग जो है ये घरों का जो नुकसान हुआ है और खेती का जो नुकसान हुआ है उसके पंचनामे जो है हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं।